फ्रेंड्स देखिए, मैंने ये फ्लिपकार्ट से आइस रोल बनाया है, फेस आइस रोल। ये सिलिकॉन का है और मुझे ये 124 का पड़ा है। इसमें दो पीस हैं। तो चलिए, अभी मुझे थोड़ी देर पहले ये पार्सल मिला है, तो चलिए इसको मैं ओपन करती हूँ। और मैंने सोचा कि चलिए आपसे भी शेयर कर लेती हूँ। तो देखिए ये कैसा निकला है और बताती हूँ इसकी क्वालिटी भी कैसी है और ये अंदर से कैसा है, सब कुछ बताऊंगी आपको। आप वीडियो को स्किप मत करिएगा, पूरा देखिएगा। तो ये दो पीस निकले हैं। वाओ ग्रेट। अच्छा है, तो देखिए ये इस तरीके से है। ये सिलिकॉन का है पूरा, क्योंकि क्या होता है कि आइस क्यूब से अगर फेस की वो करो तो फिर हाथ में वो पूरा मेल्ट होता है, पूरा गीला हो जाता है सब कुछ, और हाथ से करते भी नहीं बनता है, बहुत ज़्यादा सुन्न पड़ने लगता है हाथ ठंडे की वजह से। तो मैंने ये देखा था इन्फ्लुएंसर को यूज़ करते हुए बहुत सारे, तो मैंने ये मंगा लिया। तो फिर मैं अभी इसका ऐसे ही आपको शेयर करा है। मैं इसके अंदर पानी भर के फिर आइस जमा के भी आपको दिखाऊंगी कि ये सही काम करता है कि नहीं करता है, कहीं से लीक वीक तो नहीं करता है। और देखिए ये इस तरीके से इसका बॉक्स निकला है, कुछ छोटू सा, और इसका साइज़ अच्छा खासा है। देखिए मैं आपको अंदाज़ा लगाती हूँ, ये मेरा हाथ है, ये लाइक इतना बड़ा है ये। तो ये मैंने फ्लिपकार्ट से मंगाया है, शॉपसी से। अगर आपको लेना हो तो आप भी ले सकते हैं, पर अच्छा मुझे बहुत पसंद आया ये। तो बस इसमें आपको क्या करना है, ये ऐसे ये बंद हो जाता है और ये इसके ऊपर लगाएगा छोटा सा ढक्कन टाइप का, कैप टाइप का, हाँ लाइक दिस। वाओ, इसको खोल के इसमें यहाँ से पानी भरना है और जब इसको फ्रिजर में रख देना है, जब जम जाए बर्फ़ इसमें, आइस जम जाए, तो फिर ऊपर से ढक्कन ऐसे खोल लेना है और इसको पकड़ के ऐसे और मसाज करना है लाइक दिस। पास से देख लीजिए आप, ये ऐसा है, रबड़ का है, बिल्कुल लीकेज कहीं से भी कुछ भी नहीं है, पूरा सही दिख रहा है अभी तो। और ये सिलिकॉन का है, देखिए बिल्कुल सिलिकॉन की, ये देखिए ये, क्योंकि सिलिकॉन का है ना, इसीलिए इसकी आइस जो निकालने में परेशानी नहीं होगी। क्योंकि क्या है कि प्लास्टिक में या किसी चीज़ में हम लोग बर्तन उसमें आइस जमाते हैं तो उसमें चिपक सी जाती है, ये सिलिकॉन का है तो इसमें आराम से निकल जाएगी, मतलब इसका कैप भी जो है वो ऊपर से खुल जाएगा। तो इसको मैंने रख दिया था फ्रिज में जमने के लिए ओवरनाइट, बट ये जो है फर्स्ट टाइम में जमा ही नहीं, मतलब मैंने रात में रखा था तो सुबह चेक करा तो जमा नहीं था अच्छे से जो आइस है। तो फिर मुझे लगा थोड़ी देर और रखना चाहिए, तो फिर मैंने उसको दोबारा से रखा। फिर दूसरे दिन जब मैंने चेक करा, मतलब पूरे 24 घंटे बाद, तब जाके इसमें ये आइस जमी है। और दूसरी सबसे बड़ी बात, इसको पानी भरने में बहुत ज़्यादा परेशानी हुई थी, यहाँ से बार बार लीक कर रहा था इस साइड से, ये चीज़। तो फिर भी मैंने रखा, फिर बड़ी मुश्किल से तो वो हो पाया, फिर मैंने रख दिया। फिर रखने के बाद भी मतलब यहाँ से अपने आप ही बूंद बूंद कर करके टपक गया। फिर मैंने चेक करा दूसरे दिन, तो फिर ये देखा तो इतना नीचे का जमा हुआ था और बाकी ऊपर वाला पार्ट जो है वो खाली था। फिर खैर बहरहाल मैंने इसको कैसे भी करके जो है भरा और इसकी जो लीक वाली प्रॉब्लम थी
उसको इसमें मतलब एक्चुअली ग्रिप बनाना पड़ती है क्योंकि ये सिलिकॉन का है ना, तो ग्रिप बनाना पड़ती है। तो बहुत ज़्यादा टाइम लग गया, इतना अच्छा कुछ मुझे खास लगा नहीं। अभी इसमें देखिए ऊपर से आपको दिख रहा होगा, आइज तो जम गई है। अब हम इसको चेक करते हैं निकाल के कि कैसा है ये। वाओ, इट्स वर्किंग गाइस, सो नाइस। देखिए कितना अच्छा सा ये जमा हुआ है। तो एक बार जमाने में थोड़ी सी प्रॉब्लम हुई, लेकिन अगर आप अच्छे से इसको जमा लें तो देखिए कितना अच्छा है ये। वाओ, मुझे बहुत पसंद आ रहा है ये। पहले जब मुझे परेशानी हो रही थी ना इसको, तब मुझे इतना अच्छा कुछ खास नहीं लग रहा था, बट अगर अब देखो इसका रिजल्ट तो मुझे अच्छा लग रहा है यार। सो क्यूट, बहुत क्यूट लग रहा है यार। वाओ। और हाँ, इससे एक चीज़ और इससे फायदा हुआ, जैसे कि हम लोग आइस क्यूब से करते हैं तो हाथ हमारे बहुत ज़्यादा ठंडे हो जाते हैं, तो इसको पकड़ने में इतना ज़्यादा ठंडा नहीं हो रहा है। ये देखिए, वाओ, सो अमेजिंग रिजल्ट। तो मुझे ये प्राइस के अकॉर्डिंग अच्छा लगा, बस हाँ थोड़ी सी प्रॉब्लम हुई थी इसको आइस जमाने में और इसको सेट करने में। अगर वैसा आप कर सकते हैं तो ये प्रोडक्ट मेरे हिसाब से तो ओके है। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा, और फ्रेंड्स अपने किसी फ्रेंड से या अपने किसी रिलेटिव से मेरी वीडियो को शेयर ज़रूर करिएगा। टाटा, बाय बाय। वाओ, थैंक यू, नाइस, ब्यूटीफुल।